Hello guys, we are discuss about IUPAC name in chemistry. अगर बात करें IUPAC के बारे में तो ये nomenclature का एक अलग तरीका आता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड के नेम को किस तरह से लिखा जाता है वो IUPAC के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला अगर बात करें CH3 और CH2 CH3, ये अगर कोई दिया हुआ ना, ठीक है, तो इसका IUPAC अगर लिखना होगा तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग देते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से ब्रांच जो है ना वो प्रायोरिटी में ब्रांच का जो होता है वो नियरेस्ट पड़ता है। यहाँ से अगर करेंगे तो 1 2 3 आता है, 3 नंबर पर आता है मिथाइल, बट यहाँ पे क्या आएगा 1 2 2 नंबर पे आएगा मिथाइल। तो यहाँ से काउंट करना सही पड़ेगा, यहाँ से काउंट करना सही नहीं पड़ेगा। नंबर आप कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 से क्या होता है, ब्यूट होता है। देखिए एक कार्बन से मेथ होता है, 2 से एथ होता है, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं पिछला, ठीक। तो ब्यूट हो गया, प्लस लिख देंगे हम यहाँ पे, सब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूटेन लगा देंगे, ओके। हो गया अभी ये ब्यूटेन। अभी अगर बात करें हम, ये ब्यूटेन के साथ साथ में 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल, ओके। तो इसकी नंबरिंग भी दिखाना जरूरी है, तो हो गया 2 मेथाइल, ये पहले लगा देंगे, हो गया टोटल क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम होगा, ओके। अगर फंक्शनल ग्रुप इसके साथ में लगा होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज है CH3 CH2 CH2, मान लिया हम इस तरह का फंक्शनल ग्रुप वाला लिखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 नंबर से क्या हो जाएगा, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें लगा देंगे एन, तो हो गया प्रोपेन, प्लस इसका ये अल्कोहलिक ग्रुप है जिसका होता है ओल, क्या होगा, ओल लगेगा, ओ एल, नंबरिंग 1 आएगा, नंबर 1 लिखो या ना लिखो बात देखिए, ठीक है। तो हो गया क्या, प्रो पेन, ई हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओल, यानी ये क्या नाम होगा, प्रोपेनोल। तो इस तरह से हम IUPAC नेम के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, थैंक यू।